गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम इस मोटर की डायरेक्शन को बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पिन करवा सकते हैं इस छोटे से स्विच की मदद से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो मैंने जो स्विच लिया है इसे DPDT स्विच कहा जाता है और यहां पर मैंने एक छोटा सा JST कनेक्टर्स लिया है जिसके वायर को मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। अब मैं इस वायर को यहाँ पे इन दो प्लग में ज्वाइंट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको सेम तरीके से ज्वाइंट करना है जैसे मैंने किया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब यहाँ पे जो रेड वायर है इसका कनेक्शन ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर जाएगा और ब्लैक वायर है इसका कनेक्शन यहाँ पर जाएगा। तो वीडियो में आप देख सकते हो कुछ इसी तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं बिल्कुल सटीक तरीके से, और इसका जो डायग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। तो अब बारी आती है मोटर की, तो जल्दी से मैं मोटर में दो वायर ज्वाइंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो मोटर्स के वायर है उन्हें मैं इस स्विच के बीच वाले पॉइंट्स पे लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बैटरी ली है इस एक्सपेरिमेंट को पावर देकर बताने के लिए कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये बैटरी के जो JST कनेक्टर से इसे मैंने प्लग कर लिया है और यहाँ पर मैं एक फ़ैन लगा रहा हूँ जिसमें एक ही ब्लेड है ताकि जब ये मोटर स्पिन होगा रोटेट होगा तब आपको उसकी डायरेक्शन पता लगे, जैसे ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, बैकवर्ड है या फिर फॉरवर्ड है। तो सेटअप हमारा रेडी है जैसा कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको स्विच ऑन करके बताऊँगा। आप देखिए मोटर की स्पिनिंग डायरेक्शन अभी एक तरफ है, मैं स्विच को अगर मिडल पोजिशन में लेकर आऊँगा तो फिर ये ऑफ हो जाएगा और नीचे करूँगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप भी इसे इस्तेमाल करके आप जो भी रिमोट कंट्रोल कार या फिर टॉय बनाना चाहो उसे बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड करवा सकते हो, या फिर अगर आप कोई लेफ्ट और राइट मैकेनिज्म बनाना चाहो तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए मैंने इसमें एक टायर लगाया है, आप देख सकते हो ये इसमें भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जब मैं इसे अप डायरेक्शन में करूँगा तब ये फॉरवर्ड रोटेट हो रहा है और जब मैं इसे स्विच ऑफ करता हूँ तो अभी ऑफ हो रहा है, और जब मैं इसे डाउन करूँगा नीचे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्लो मोशन में आप देख सकते हो अगर मैं इसे नीचे करता हूँ तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, और सेम इसी तरीके से अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा और अगर मैं इसे ऊपर करता हूँ तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप भी बना सकते हो। इसका जो वायरिंग का डायग्राम है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर से कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस आप देख सकते हो।